नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित आलोचकों में से कौन उत्तराखंड से संबंधित है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन उसमें से करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार कौन है। तो शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न है कि चारु चंद्र की चंचल किरणों में खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उद्धव शतक के रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें एक वीर रस के कवि हैं, नाम बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका भूषण। कफन कहानी किसने लिखी है, तो ये फिर से मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कवि के दोहों के लिए गागर में सागर के उक्ति प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कवित्री आपके सामने चार रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो कवित्री सही तरीके से इस प्रकार से लिखा जाता है कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, तो स्वास्थ्य इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परसरकर्ता कारक में प्रस्तुत प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्गत। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट क्या करता है। आस्तिक का मतलब होता है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, विश्वास रखने वाला, और नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रत्नावली किस कवि की पत्नी थी। तो रत्नावली जो है वो तुलसीदास जी की पत्नी थी। ठीक है, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो इसे अवधी भाषा में लिखी गई है। शिति का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोवर। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द, तो उसका मतलब होता है अजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई के काव्य कृति का क्या नाम है, तो पृथ्वीराज रासो। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा किए गए उपकार को मानने वाला, यानी कि अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया हो, तो अगर आप उसका उपकार मानते हैं तो आप कृतज्ञ कहलाइएगा। अगला प्रश्न है रेल शब्द क्या है, तो ये रेल शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द का विच्छेद करना है, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है, अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ ये होता है स्वावलंबी बनना, यानी कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति यानी कि जो कहावत होता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक पंथ के दो कागज। ठीक है, एक पंथ के दो कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शांत रस का स्थाई भाव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वेद। निम्नलिखित में से गौण शब्द का विलोम कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य। अब ये प्रश्न जो है ये आप सभी लोगों के लिए है। ये प्रश्न है कि किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट में मेरे को बताना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।